एथलेटिक चरखा, मैं हूँ नाजिश मेहताब। आज हम मौजूद हैं गांधी मैदान के पास और हम आपको पटना स्मार्ट सिटी का कुछ नज़ारा दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक होर्डिंग है, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी पटना रीडेवलपमेंट ऑफ बाकरगंज नाला, बजट 15,71,00,000 रुपया, स्टार्टिंग डेट मार्च 2019 और एंडिंग डेट जून 2020। प्रोग्रेस जो है वो ग्रीन से शो किया गया है, लेकिन असलियत कुछ और है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। रीडेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि विकास हो रहा है, तो आखिर क्या विकास हो रहा है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं बाकरगंज नाला के पास और यहाँ का नज़ारा बहुत ही दर्दनाक है। किस तरह से यहाँ नाले का रीडेवलपमेंट हो रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये कुछ नाला है जो कि टूटा पड़ा है काफ़ी सालों से, आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है, लेकिन सरकार के फाइल में ये ग्रीन लाइन से शो किया जा रहा है कि मतलब इस नाले का रीडेवलपमेंट चालू है। हम अंदर चलेंगे और आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये है वो बाकरगंज नाला जिसके सरकार कहती है कि रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो आप बताएं कि किस हद तक रीडेवलपमेंट हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो नाला है आज तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। जब रोशनी कम हो जाती है तो दुर्घटना का भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसी खबर आई है कि रात के वक्त लोग यहाँ गिर जाते हैं, गिरकर जख्मी हो जाते हैं और बहुत कुछ मसला है। तो आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है, आखिर सरकार काम क्यों नहीं कर रही है, आखिर सरकार जो कहती है कि विकास हो रहा है, आखिर विकास कहाँ हो रहा है। अभी चुनाव का वक्त है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन आखिर ज़मीनी स्तर पे कार्य क्यों नहीं हो रहा है। हम चलेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां सामने आई हैं। नाला बना है क्या भैया? कभी टूटा है तो जब से इतना बना, उसके बाद अभी नहीं बना। नाला नहीं बना है? नहीं, नाला नहीं बना है। तो रात उत में कोई गिरता होगा? संजोग एक बार कभी कभी गिर गया आदमी। गिर गया है तो क्या कुछ समस्या आता है नाला को लेकर? लोगों को परेशानी होती है? परेशानी होते है, आने जाने वाले के थोड़ा बहुत परेशानी। लेकिन आगे हम होल्डिंग देखे जिसमें सरकार लिखा हुआ है कि इसका रीडेवलपमेंट होगा, मतलब इसको फिर से बनाया जाएगा। तब 15,00,00,000 रुपया में अभी तक बना है क्या? नहीं, जब से तो बोर्ड टंगा उसके बाद तो नहीं बना है। बनाया क्या चाची? कुछ बना ला, नाला कभी बनवे नहीं किया, एक बार बना कुल भसा नहीं। तो क्या कुछ समस्या आता है नाला में? अगर खुला जो नाला है उसमें क्या कुछ नाला में है कि आदमी डूबता है, मरता है, यह सब तो हो रहा है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, होते रहता है। आप लोग की जिंदगी, मतलब जैसे आप लोग इधर ही रहती हैं, इधर ही रहती है, किस तरह से जिंदगी आप लोग की गुजर रही है? उसी डूब धस के। आप लोग कभी कहती नहीं है कि इस नाले को बनवाया जाए, क्योंकि बिल बहुत बोलते हैं, पास भी है लेकिन नहीं बनवा रहा। धस के तो मार गया, बूढ़ा गिरा, वहाँ गिरा, यहाँ गिरा, कभी बनावे वाला तो कहाँ चल गया जो कोई पते नहीं। विधायक जो है यहाँ के वो आते हैं क्या? को पता तो नहीं, कोई विधायक जी है या नहीं है वो तो पता नहीं है। जो नाला खुला हुआ है तो क्या कुछ समस्या होता है आप लोगों में? बिक्री बहुत प्रॉब्लम होता है? बिक्री नहीं होता है, कोई आवेला नहीं चाहता है, ना स्कूटर आता है, ना गज साइकिल लेके आता है, हम लोग को बिक्री नहीं हो रहा। आप ढलैया हो जाता तो सब चीज आता। बिल तो पास हो चुका है तो क्यों नहीं बन रहा है? अब देखिए बनाएगा था ना, आप लोग करिए। दुर्घटनाएं होती हैं क्या? बहुत बहुत दो बार गिर गया पूरा, बहुत होता है, ढलैया बहुत जरूरी है, हो जाए तो बढ़िया है। सब्जी का निवासी हूँ, हमेशा यहाँ गांधी मैदान के पास जो भगत सिंह का जो चौक है ना, और उधर कारगिल चौक है, तो वहाँ पास में रिक्शा ठेला लगा रहा, तो उसके आड़ में लोग पेशाब करते हैं, तो शहीद का अपमान हो रहा है और हमारे सेना का भी अपमान हो रहा है। एक बार प्रशासन को यहाँ भी बोला गया था तो एक आध दो बार केयर किए, लेकिन प्रशासन बदल गया, लेकिन वहाँ पेशाब अभी महकता है, गाड़ी लगता है और शहीदों का अपमान हो रहा है। तो हम प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो है साफ स्वच्छ जो मोदी जी का जो चल रहा है या नीतीश कुमार का स्वच्छ भारत और बिहार अभियान चल रहा है, उसके तहत इसको देखा जाए, उसको इस पर कुछ कार्रवाई की जाए कि वहाँ गंदगी न लगे, प्यास पेशाब नहीं करे। अभी हम इस नाले पे, इस बांस से बने पुल पे खड़े हैं,
तो ये कुछ विकास है, आधुनिक पुल है स्मार्ट सिटी पटना का जो नीतीश कुमार ने बनाया है। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि काफ़ी पहले और बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ लोग गिर जाते हैं अंधेरे वक्त में और काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, उनकी रोज़गार पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो ये है कुछ विकास नीतीश कुमार द्वारा। इसी तरह की छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। डेमोक्रेटिक चर्चा।